हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है एनके इंडिया की वैकेंसी के बारे में। और मैं इससे पहले लगातार कंटिन्यूस पोस्ट कर रहा था, लेकिन बीच में क्या है, मार्च का महीना है तो यहाँ पर साइड में काफ़ी सारी तेज़ी से काम चल रहा था, जिसके आर ए बिल और इससे रिलेटेड इशू के कारण जो है मैं यहाँ पर जो है वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैंने फिर से चालू कर दी है। इस बीच मेरे को काफ़ी सारे वैकेंसीज़ के मेल आ गए थे, लेकिन मैं आपको वो बता नहीं पाया। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो है ये वैकेंसी का मेल मुझे अभी आया हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो ये वैकेंसी है दोस्तों एनके इंडिया। तो दोस्तों, एनके इंडिया जापान की एक कंपनी है, निपॉन, और इंडिया की एक कंपनी, जापान की कंपनी के इंडिया में ही उसकी एक ब्रांच है। तो ये जैपनीज़ कंपनीज़ है, और ये मेनली जो है रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के काम जो है देखती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है, इसी के लिए यहाँ पर इसने काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट निकाला है। इससे पहले भी इसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। फिलहाल अभी जो रिक्रूटमेंट आया है, ये रिक्रूटमेंट है जो क्वांटिटी सर्वेयर के लिए है। क्वांटिटी सर्वे के लिए ये वैकेंसीज हैं, और क्वांटिटी सर्वे की ये वैकेंसीज में जो है क्या क्या स्किल मांगा है मैं आपको बताऊँगा, और किस तरह की कंपनी है ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस कंपनी का मैंने रिव्यूज़ पता किए हैं अपने फ्रेंड्स या फिर अलग अलग वेबसाइट से, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ निकल के इसके सामने आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी कंपनी, चूँकि जापानी कल्चर है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट है। सैलरी वगैरह यहाँ पर टाइम है, और जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई वो क्वांटिटी सर्वेयर की है, और इसमें लगभग जो है 6 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 6 से 10 साल की जो एक्सपीरियंस है, ये मेनली जो है मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो ड्राइंग्स वगैरह होती है उनसे जो होता है क्वांटिटी एस्टिमेट क्वांटिटी निकालना है, और उसी से ड्राइंग्स से टोटल है। और इसमें स्किल सेट की बात करेंगे तो दोस्तों, एवेल्यूएशन ऑफ द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग्स, और यहाँ पर ड्राइंग कौन कौन सी होगी, रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, रेलवे फ्लाईओवर, इनकी जो ड्राइंग होगी उसमें से पूरी क्वांटिटी एस्टिमेट करना है, जैसे कि आप पहले किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, जितनी भी क्वांटिटी आएगी उससे कॉस्ट एस्टिमेट करना है। रेट एनालिसिस, रेट निकालना है सब कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो भी फॉरवर्डिंग लेटर्स वगैरह है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब जो है इसमें स्किल्स सेट मांगा हुआ है। नेगेटिविटी बात करेंगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है एचआर पॉलिसीज अच्छी नहीं बताया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर एचआर की पॉलिसी को काफ़ी अच्छा बताया है। इंटरव्यू टिप्स की बात करेंगे तो दोस्तों, आपको मेनली ये जो है रेलवे अंडर ब्रिज की ड्राइंग, ROB और रेलवे फ्लाई ओवर, कॉस्ट एस्टिमेशन, इससे रिलेटेड जो है प्रिपरेशन करना है, और पास्ट एक्सपीरियंस जो होगा उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, BTEC सिविल डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 6 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। और इसको अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।